हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉग्स के अंदर किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में। हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि डॉग्स के अंदर किडनीज का फंक्शन क्या होता है, बल्कि हम ये डिस्कस करेंगे कि डॉग्स के अंदर किडनी प्रॉब्लम्स के कॉजेज क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से हम अपने डॉग को किडनी प्रॉब्लम्स से बचा सकते हैं और माइनर किडनी प्रॉब्लम्स को कैसे घर पे ही ठीक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डॉग्स के अंदर जो किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, पहली एक्यूट और दूसरी क्रॉनिक। एक्यूट वो होती है जो कुछ ही दिन में हो जाती है, मतलब एकदम से जो प्रॉब्लम हो जाती है वो एक्यूट प्रॉब्लम होती है, और क्रॉनिक वो होती है जो धीरे धीरे करके बहुत लंबे टाइम में होती है, और जब वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है तब हमें उसका पता चलता है। और डॉग्स के अंदर किडनी प्रॉब्लम्स के मेजर कॉजेज में से सबसे पहला कॉज है कंजेनिटल डिजीज, यानी कि वो प्रॉब्लम जो हमारे डॉग को जन्म के टाइम से ही हो, या तो वो हेरेडिटरी हो सकती है या फिर वो कोई बीमारी हो सकती है जिस बीमारी के साथ वो पैदा हुआ हो। उसमें मेजरली दो चीजें आती हैं, या तो सिस्ट या एजिनेसिस। सिस्ट का मतलब होता है स्टोन, यानी कि पथरी, मतलब किडनी के अंदर पथरी के साथ ही हमारा डॉग पैदा हुआ हो, या फिर एजिनेसिस का मतलब होता है कि किडनी के अंदर बाय बर्थ कोई डिफेक्ट हो, या तो हो सकता है दो में से एक ही किडनी हो या फिर वो किडनी पहले से ही प्रॉपरली फंक्शन ना कर रही हो। सेकेंड कॉज होता है डेंटल डिजीज। डॉग के मुंह में स्पेशली उसके दांतों में कोई प्रॉब्लम हो जाए और उस प्रॉब्लम की वजह से वहां पे बैक्टीरिया जो है वो रहने लग जाए, और वो बैक्टीरिया बाद में उसके ब्लड में मिलके उसके ऑर्गन फेलियर का कॉज बन जाए। मतलब अगर उसका मुंह सही से साफ नहीं किया होगा या फिर उसके माउथ हाइजीन पे प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया होगा, तब उसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके ऑर्गन फेलियर का कारण बन सकता है, और ऑर्गन फेलियर में किडनी भी फेल हो सकती है। और तीसरा कॉज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये तब होता है जब या तो हमारा डॉग कंटेमिनेटेड पानी को पी ले या कंटेमिनेटेड पानी के कॉन्टेक्ट में आ जाए, उसके अंदर स्विमिंग करके या चल के, इससे भी उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लेप्टोस्पाइरोसिस, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और ये डॉग को तब होता है जब वो कंटेमिनेटेड यूरिन या वाटर के कॉन्टेक्ट में आ जाए, और वो इस तरीके से कि अगर कोई और जानवर है, जैसे कोई दूसरा इन्फेक्टेड डॉग है, गाय है या फिर खरगोश या चूहे लगा सकते हो, इन सबको ये इन्फेक्शन हो जाता है लेप्टोस्पाइरोसिस, तो वो पहले से इन्फेक्टेड है और वो या तो कहीं पे पेशाब कर दे या फिर किसी पानी के अंदर घूम जाए, तो अगर उस पानी के अंदर हमारा डॉग भी घूम के आ गया तो हमारा डॉग इन्फेक्टेड हो जाएगा। और यूरिन का सिनेरियो ये होता है कि अगर पहले से कोई डॉग इन्फेक्टेड है और उसने कहीं पे यूरिन कर दिया, तो डॉग्स की आदत होती है कि वो उस यूरिन को सूंघते हैं, उस सूंघने से भी हमारे डॉग को इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। किसी भी तरीके से अगर कंटेमिनेटेड लिक्विड के कॉन्टेक्ट में हमारा डॉग आ गया तो उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, और इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो उसकी रेनल सेल्स होती हैं, जो उसके उस प्राइवेट एरिया को, किडनी वाले एरिया को प्रोटेक्ट करती हैं, वो डेड हो जाती हैं, और डॉग की जो किडनीज हैं वो स्वेल हो जाती हैं, उसकी किडनी सूज जाती हैं, और सूजने की वजह से उसकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमारा डॉग प्रॉपरली पेशाब नहीं कर पाता है, उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। और फोर्थ कॉज होता है फूड पॉइजनिंग। अगर हमारा डॉग कोई ऐसी चीज खा ले जो उसके लिए पॉइजनस हो, तो इससे भी उसे किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि जिस चीज को वो खाएगा वो उसके डाइजेशन को इम्पैक्ट करेगी और फिर किडनी को भी इम्पैक्ट करेगी। और हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे डॉग के लिए टॉक्सिक है, जैसे कि घर में बहुत सारे क्लीनर्स होते हैं, टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, फिनाइल है, शैम्पू है, कंडीशनर है, डिटर्जेंट है, और अगर घर में गाड़ी या बाइक है तो उसका इंजन ऑयल है या फिर रेडिएटर का फ्लूइड है या फिर पेट्रोल है, इसके अलावा और कोई लिक्विड है, ग्रीस है, ये सारी चीज़ें हमारे डॉग के लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती हैं। और इसके अलावा हमारे किचन में भी कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे किशमिश है, अंगूर है, ये भी हमारे डॉग की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा और भी कई सारे कॉजेज होते हैं किडनी प्रॉब्लम्स के, जैसे सीवियर डिहाइड्रेशन है। अगर हमारा डॉग बहुत दिनों तक ढंग से पानी ना पिए और वो पानी की इतनी कमी हो जाए कि हमारे डॉग की किडनी पे असर पड़ जाए, या फिर दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारे डॉग को हीट स्ट्रोक हो जाए, गर्मी की वजह से भी उसे किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि गर्मी में ज्यादा पानी पीना पड़ता है और उतना पानी हमारा डॉग पीता नहीं है। इसके अलावा एक कॉज ये भी हो सकता है कि उसे सांप काट ले या कोई और जहरीला जानवर वो उसको काट ले, इससे भी उसे प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इसके अलावा अगर हम उसे कोई ऐसी दवाई दे रहे हैं जिसका उसे साइड इफेक्ट हो जाए,
या कोई पेन किलर भी हो सकता है, जैसे आइबुप्रोफेन है या फिर एस्पिरिन है। पर्टिकुलरली पेन किलर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। हम ये कैसे पहचानेंगे कि हमारे डॉग को किडनी प्रॉब्लम हो गई है? तो इसके सिंपल साइंस होते हैं। जैसे ही आप अपने डॉग के अंदर वो साइंस देखें, तुरंत अपने डॉग का टेस्ट कराएं, और टेस्ट का नाम है KFT, यानी कि किडनी फंक्शनिंग टेस्ट। और वो साइंस ऐसे हैं कि आपका डॉग जो है वो नॉर्मल से अलग तरीके से पानी पीने लग जाए, या तो बहुत ज्यादा पानी पिए या बहुत कम पानी पिए, जो उसका नॉर्मल रूटीन था उस तरीके से पानी ना पिए। इसके अलावा जो उसकी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी है और उसका जो वॉल्यूम है वो भी बदल जाए। फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम का मतलब ये है कि या तो दिन में बहुत बार पेशाब करें, या दिन में बहुत कम पेशाब करें, पूरा दिन निकल जाए पेशाब ही ना करें, या फिर हर 15 मिनट में पेशाब करना शुरू कर दे। और जो पेशाब की क्वांटिटी है या तो वो बहुत ज्यादा हो या वो बहुत कम हो। इसके अलावा वो खेलने में इंटरेस्ट ना ले, या उसके अलावा किसी और एक्टिविटी में इंटरेस्ट ना ले, वो बस पड़ा रहे। आप उसे खिलाना चाहोगे तो खेलेगा नहीं, आप उसे घुमाना चाहोगे तो वो उठ के जाना नहीं चाहेगा, एक किस्म से वो आलसी सा हो जाएगा। या फिर उसके यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाए, आप उसके पेशाब को नोटिस करते रहें, अगर उसके अंदर रेडनेस ज्यादा हो जाए, मतलब ऐसा अंदेशा हो जाए कि उसके अंदर ब्लड आ रहा है, तब भी आप उसे तुरंत टेस्ट के लिए लेके जाएं। इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे डिक्रीज्ड एपेटाइट, आपके डॉग की जो भूख है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, वो बिल्कुल ना के बराबर खाना शुरू कर देगा। आप उसे कितनी अच्छी चीज खाने को दो, चाहे उसकी फेवरेट चीज ही क्यों ना हो, वो थोड़ी सी खा के बाकी को छोड़ देगा। इसके अलावा उसे वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, या उसे डायरिया हो जाएगा, या वोमिटिंग के साथ डायरिया भी हो जाएगा, यानी कि आपके डॉग को उल्टियां आनी शुरू हो जाएगी, या उसे दस्त लग जाएंगे, या उल्टी और दस्त दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, आपके डॉग का जो वजन है वो अनएक्सप्लेन्ड तरीके से कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब जो मौसम की वजह से वजन ऊपर नीचे होता है वो नहीं, आपको ये दिखाई देगा कि आपके डॉग का वजन बहुत ज्यादा कम हो गया है, आपका डॉग बहुत कमजोर हो जाता है। और इसके अलावा दो सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। उसमें पहला है एक्यूट ब्लाइंडनेस, यानी कि आपका डॉग को एकदम से ही कम दिखाई देना शुरू हो जाए। और ये आपको कैसे पता चलेगा? आपका डॉग नॉर्मली चल रहा होगा और वो एकदम से किसी चीज में टक्कर मार देगा, जैसे उसे दिखाई ना दी हो। खेलते वक्त कभी कभी ऐसा हो जाता है, डॉग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो टक्कर मार देता है, लेकिन जब वो नॉर्मल चल रहा हो और वो टक्कर मारे इस तरीके से जैसे उसे चीज दिखाई ना दी हो, तो इस चीज को आप बहुत सीरियसली लें। और दूसरी चीज होती है डेंटल प्रॉब्लम, अगर उसके मसूड़े जो है वो पीले हो जाएं, मतलब पेल गम्स हो जाएं, या फिर उसके मुंह से बहुत बुरी स्मेल आने लग जाए, या फिर उसे माउथ अल्सर हो जाए, यानी कि उसका जो मुंह के अंदर छाले हो जाएं, या फिर हमारे इधर लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मुंह आ जाना। मुंह आने का मतलब ये होता है उसका मुंह अंदर से बहुत ज्यादा रेड हो जाए, और इवन पानी भी पीने भी उसे दर्द हो, मतलब अगर उसके मुंह में कोई सीरियस प्रॉब्लम है तब भी आप उसका किडनी का टेस्ट जरूर कराएं। अब बात करते हैं इस चीज के बारे में कि किस तरीके से हम अपने डॉग को किडनी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, डॉग के लाइफस्टाइल में नहीं, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। और वो ये कि घर के अंदर जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर हो, शैम्पू हो या कंडीशनर हो, वो डॉग्स के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए। किसी भी तरीके से डॉग उन्हें चाटे ना या फिर खाए ना। इसके अलावा जो घर में मेडिसिन रखी होती है या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो कैप्सूल की फॉर्म में हो या टेबलेट की फॉर्म में या ऑइंटमेंट की फॉर्म में या कोई ब्यूटी क्रीम हो, वो सारी चीजें भी अपने डॉग से दूर रखनी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, सपोज कोई कॉस्मेटिक आइटम है, कोई ब्यूटी क्रीम की ट्यूब है, वो नीचे गिर गई और हम अपने डॉग को ये बोले कि टॉमी उसे उठा के दे, और वो अपने मुंह से उसे उठा के दे, तो बाई चांस ये हो सकता है कि भाई वो क्रीम जो है प्लास्टिक की तो होती है, उसे वो ज्यादा जोर से दबाए और वो कट जाए और वो क्रीम जो है उसके मुंह में चली जाए। इसी तरीके से कोई केमिकल जो फर्श पे गिर जाए और हमारा डॉग उसे चाट ले। और बहुत आम चीज होती है, हमने अपने घर में फिनाइल का पोछा लगाया और हमारा डॉग आके फर्श को चाटना शुरू कर दे, तो इस तरीके की हरकतें जो हैं वो अवॉइड करनी पड़ेगी। घर के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, जितने भी क्लीनर्स हैं, उन सबसे डॉग को दूर रखना है। जितने भी हमारी गाड़ियों के ऑयल हैं, उन सबसे भी डॉग को दूर रखना है। कैसे भी करके वो इन केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में ना आए, और ना ही वो किसी तरीके से किसी कॉन्टेमिनेटेड पानी के कॉन्टेक्ट में आए। इसके अलावा हमारे किचन के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो
जो हमारे डॉग की हेल्थ के लिए हार्मफुल है। हमारी एक आम आदत होती है कि हम कोई भी चीज खाते हैं उसे अपने डॉग के साथ शेयर कर लेते हैं, जबकि हो सकता है वो चीज हमारे लिए अच्छी हो और हमारे डॉग के लिए अच्छी ना हो। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं और आप खास ख्याल रखें कि ये चीजें अपने डॉग के साथ शेयर ना करें। इनमें सबसे पहली चीज है अल्कोहल। अपने डॉग को शराब ना पिलाएं, चाहे वो विस्की हो या बियर हो। कभी कभी हम मजाक मजाक में ऐसी बेवकूफी कर देते हैं या नशे में ऐसी बेवकूफी कर देते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा केमिकल जिसके अंदर अल्कोहल मौजूद हो, जैसे कफ सिरप होता है, हम क्या करते हैं, हम अपनी कफ सिरप डॉग को पिला देते हैं कि भाई उसकी भी खांसी ठीक हो जाएगी। दोनों मैमल है तो एक ही तरीके से काम करेगा। ऐसी बेवकूफियां ना करें, किसी भी तरीके का अल्कोहलिक केमिकल अपने डॉग को ना दें। सेकेंड चीज होती है चॉकलेट, कॉफी, टी या कोई भी ऐसा केमिकल या ऐसा फूड जिसके अंदर कैफीन हो। हम चॉकलेट तो बड़े शौक से अपने डॉग को खिला देते हैं। इसके अलावा कोकोनट यानी कि नारियल, ग्रेप्स और रेजिन यानी कि अंगूर या किशमिश, ये भी हमारे डॉग की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। या फिर मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि सारे प्रोडक्ट, कि आप उसे दूध ही पिलाना बंद कर दें, ऐसा नहीं। जो प्रोसेस्ड होते हैं उसमें भी पर्टिकुलरली पनीर और खोआ, ये दो चीजें आपको उसे नहीं देनी चाहिए जब आपको लगता हो कि उसे किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा ऑनियन, गार्लिक एंड चाइव्स यानी कि प्याज, लहसुन और आल। आल जो है वो प्याज की तरह ही होती है, जो नीचे से तो व्हाइट कलर की होती है और ऊपर उसके पतले पतले ग्रीन ग्रीन पत्ते होते हैं। ये ऑनियन के ऑल्टरनेटिव में यूज करी जाती है। ये भी आपको अपने डॉग को नहीं देनी चाहिए। और रॉ और अनकुक्ड मीट और एग्स यानी कि कच्चा मांस और कच्चा अंडा, ये भी अपने डॉग को देने से अवॉइड करना चाहिए। या फिर प्रोसेस्ड स्नैक फूड्स, स्पेशली सॉल्टी और स्पाइसी। अगर मैं डायरेक्टली बताऊं तो चिप्स, कुरकुरे या इस टाइप की चीज जो हम अक्सर खुद खाते हैं तो अपने डॉग को भी दे देते हैं। हमें लगता है कि खा लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान देती है। और एक पर्टिकुलरली आता है यीस्ट डफ, यानी कि वो चीजें जो खमीर से बनाई जाती हैं, जैसे ब्रेड है, जलेबी, भटूरे या फिर इसके अलावा केक है, या फिर वो खमीरी रोटी जो तंदूर के अंदर बनाई जाती है। जो भी चीज यीस्ट से बनती है वो भी अपने डॉग को नहीं देनी चाहिए। ये जो भी मैंने आपको सारे फूड्स बताए हैं अवॉइड करने के लिए, ये हर डॉग के लिए नहीं है, ये सिर्फ उस डॉग के लिए है जिसे या तो किडनी की प्रॉब्लम हो रखी है या फिर होने वाली है, मतलब वो सिर्फ सिम्टम्स दे रहा है। अपने KFT उसका टेस्ट कराया है, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, और उसमें हल्की हल्की उसने प्रॉब्लम शो की है। अब बात करते हैं उन होम रेमेडीज के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप अपने डॉग की किडनी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर माइनर प्रॉब्लम है तो कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको तीन काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो ये कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके डॉग को वाटर की अवेलेबिलिटी 24 आवर्स हो, यानी कि 24 घंटे उसे पानी अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो जब चाहे तब पानी पी सके। सेकंड चीज ये है कि आपको उसकी डेंटल हाइजीन का बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि उसके मुंह की सफाई का। और तीसरी चीज ये है कि जैसे ही आपका डॉग किडनी प्रॉब्लम्स के सिम्टम शो करे, आपको उसका तुरंत KFT कराना है, यानी कि किडनी फंक्शनिंग टेस्ट कराना है। अब किडनी प्रॉब्लम्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली है नॉन सीरियस, इसकी मेडिसिन अलग है। दूसरी है सीरियस बट रिवर्सिबल, यानी कि जो सीरियस तो है लेकिन ठीक हो सकती है, इसकी मेडिसिन अलग है। और तीसरी है सीरियस बट इरिवर्सिबल, जो सीरियस है और इसे आप घर पे ठीक नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। नॉन सीरियस प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपको चार चीजें करनी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपने डॉग की डाइट में से फॉस्फोरस, प्रोटीन और सोडियम, ये चीजें बिल्कुल कम कर देनी है या बंद कर देनी है। फॉस्फोरस के लिए आप मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दें, प्रोटीन के लिए आप नॉनवेज, एग या इनसे बने हुए प्रोडक्ट बंद कर दें, और सोडियम के लिए सॉल्ट या स्नैक्स, जो स्नैक्स मैंने आपको पहले भी बताया था वो, और नमकीन चीजें, ये सब बंद कर दें। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको अपने डॉग को क्रैनबेरी का जूस देना शुरू करना है। क्रैनबेरी यानी कि ककरौंदा, या कहीं कहीं करौंदा भी बोलते हैं, उसका जूस निकाल के पिलाएं। पैकिंग वाला जूस ना दें। अगर आपको ककरौंदा रियल में अवेलेबल है तो उसका जूस खुद निकाल के पिलाएं। इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जो फ्रोजन फूड आते हैं इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, उस फ्रोजन फूड को मंगा लें, पानी में भिगो के उसे सॉफ्ट कर लें और फिर उसका जूस बना के अपने डॉग को पिला दें।
ये रियल क्रैनबेरी जितना इफेक्टिव तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफी इफेक्टिव होगा। 100% वैसा नहीं होगा, क्योंकि फ्रेश की बात अलग होती है और फ्रोजन की बात अलग होती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आपको ये मिल जाए और ये देना शुरू करें। तीसरी चीज आपको देनी है CoQ10, यानी कि कोएंजाइम। ये आपको कैसे देना है? 2 mg/kg/day, यानी आपको अपने डॉग का वेट पता होना चाहिए और उसके हिसाब से उसे ये कोएंजाइम CoQ10 ये देना शुरू करें 2 mg/day। अगर आपका डॉग 10 किलो का है तो 20 mg/day दें, 5 किलो का है तो 10 mg दें, 25 किलो का है तो 50 mg/day ये आपको उसे देना है। चौथी चीज है, आप अपने डॉग को फिश ऑयल देना शुरू करें, वो भी उसके वेट के अकॉर्डिंग, 20 mg/kg/day। यानी कि अगर आपका डॉग 5 किलो का है तो 100 mg दें पर डे, अगर 10 किलो का है तो 200 mg दें पर डे फिश ऑयल, ये भी उसके किडनीज के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सेकंड कैटेगरी आती है सीरियस बट रिवर्सिबल। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको नॉन सीरियस वाली सारी चीजें फॉलो करनी है, उसकी डाइट से फॉस्फोरस प्रोटीन और सोडियम रिड्यूस करना, क्रैनबेरी का जूस देना, उसे कोएंजाइम देना, फिश ऑयल देना। लेकिन इसके साथ साथ आपको दो चीजें और देनी है। पहली चीज है एपाकेटिन पाउडर या फिर टेबलेट, ये फॉस्फोरस बाइंडर होता है, उसकी बॉडी में फॉस्फोरस लेवल को कंट्रोल करता है और किडनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये आपको कैसे देना है, 1 g/5 kg ऑफ योर डॉग्स वेट ट्वाइस ए डे, यानी कि आपके डॉग के 5 किलो के वेट के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 g देना है दिन में 2 बार। अगर आपका डॉग 5 किलो का है तो 1 1 g दिन में 2 बार, अगर 10 किलो का है तो 2 2 g दिन में 2 बार, 15 किलो का है तो 3 3 g दिन में 2 बार। सेकेंड चीज आपको देनी है रहमानिया 8 की टेबलेट्स, ये आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगी, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फार्मेसी से जाके भी ले सकते हैं। ये आपको कैसे देनी है, अगर आपके डॉग का वेट 10 किलो से कम है तो 2 टैबलेट दिन में 3 बार खाने से पहले 5 दिन तक, 5 दिन के बाद आप 1 टैबलेट दिन में 3 बार खाने से पहले कर दें। अगर आपके डॉग का वेट 10 किलो से 40 किलो के बीच है तब 4 टैबलेट दिन में 3 बार खाने से पहले और 5 दिन तक ये देने के बाद टैबलेट हाफ कर दें, यानी कि 2 टैबलेट दिन में 3 बार खाने से पहले। अगर डॉग का वेट 40 किलो से ऊपर है तो पहले 5 दिन तक दिन में 5 5 टैबलेट 3 बार खाने से पहले और 5 दिन के बाद 2 टैबलेट दिन में 3 बार खाने से पहले। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, डॉग का वेट अगर 10 किलो से कम है तो आपको पहले 5 दिन तक दिन में 6 टैबलेट देनी है 2 2 करके खाने से पहले और 5 दिन के बाद दिन में 3 टैबलेट देनी है 1 1 करके खाने से पहले। अगर डॉग का वेट 10 किलो से 40 किलो के बीच है तो आपको दिन में 12 टैबलेट देनी है 4 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार खाने से पहले और 5 दिन के बाद दिन में 6 टैबलेट 2 2 करके दिन में 3 बार खाने से पहले। और अगर डॉग का वेट 40 किलो से ऊपर है तो पहले 5 दिन तक दिन में 15 टैबलेट देनी है आपको 5 5 करके दिन में 3 बार और 5 दिन तक देने के बाद दिन में 6 टैबलेट 2 2 करके 3 बार खाने से पहले। लास्ट कैटेगरी आती है सीरियस बट इरिवर्सिबल। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सीधा डॉक्टर के पास लेके जाना है, डॉक्टर जो मेडिसिन रेकमेंड करे आप वो फॉलो करें और जो वो परहेज बताए वो परहेज फॉलो करें। और अगर किडनीज बिल्कुल डैमेज हो गई है तो सिर्फ डायलिसिस ही हो सकता है, यानी कि प्रॉब्लम सीरियस भी है और इरिवर्सिबल है, इसमें आप घर पे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इस रेमेडी को लेके या बाकी रेमेडीज को लेके जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके डॉग्स को किडनी प्रॉब्लम्स है, और रेमेडी को फॉलो करने के बाद अपने एक्सपीरियंस को और रिजल्ट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।